Good morning, friends, and welcome to Friday session. This Friday we have a very interesting topic, again related to stock market, okay? And this time we have commodity market. Commodity market naam suna hai aapne? Sabhi ne suna hai. So how it works exactly, commodity market, kaise trading kiya jata hai commodity mein, wo hum dekhte hai. Kya requirement hai commodity market mein trading karne ke, kya fayde hai, kya nuksan hai, everything we are going to actually understand in detail today. Let us begin our session, friends. So what is exactly a commodity? When we say commodity and commodity trading, to commodity matlab kya hota hai? Is it a man-made thing? Man-made cheezo ko commodity bolenge idhar commodity market mein? Bilkul bhi nahi bolenge. Man-made cheeze nahi chahiye hame, hame nature-made cheeze chahiye. Okay, jiske andar hum log trading karenge. Okay, so it's nature-produced items rather than manufactured products. Okay, so commodity market mein kabhi aise projector ka trading nahi hota hai, ya koi AC ka trading nahi hota hai. Commodity market mein trading hota hai un cheezon ka jo nature-produced hai, bhale hi finishing work hum kar rahe hai. Okay, it should be nature-produced. For example, farm produce. Okay, for example, gold, silver, inka mining karte hum log, rubber, ye sab cheeze. अब इसमें क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे आ गया वो चीज़ें हमारे पास नहीं आनी चाहिए. जिंक वगैरह सब आएगा क्या? कॉपर, जिंक ये सब आएगा, बेस मेटल्स, प्रीशियस मेटल्स आएंगे, ये सब चीज़ें कमोडिटी में आती है. ओके, एंड इसके अलावा फार्म प्रोड्यूस, जैसे कि हम बात करेंगे कॉटन, पल्सेस, ये सब चीज़ें भी इसमें कवर होगी. बट इसमें प्रोड्यूस्ड आइटम्स नहीं आएंगे, प्रोड्यूस्ड आइटम्स नहीं आएंगे. ठीक है, सो इट्स लाइक वी आर ट्रेडिंग इन कॉटन, कॉर्न, गोल्ड, सिल्वर. Okay, in this kind of market, gold and silver is called as bullion market. क्या बोलते हैं उसको? Bullion market. तो bullion ये word अगर आप सुनोगे तो it is nothing but it is relating to gold and silver. Okay. Now commodity market की हद तक बात करेंगे तो there are two types of market in commodity. One is physical market, the other is online market. So commodity market is a marketplace for buying and selling physical or virtual market. Buying and selling in physical or virtual market. Physical market में gold buy किया जा सकता है, सिल्वर बाय किया जा सकता है, एंड द सेम थिंग कैन बी बॉट ऑनलाइन ऑल्सो. सो ऑब्वियसली टुडेज फोकस विल बी ऑनलाइन, क्योंकि आपको फिजिकल मार्केट पता है. सो टुडेज फोकस विल बी कंप्लीटली ऑन वर्चुअल मार्केट. व्हाट इज एग्जैक्टली शेयर ट्रेडिंग एंड व्हाट इज एग्जैक्टली कमोडिटी ट्रेडिंग, दोनों में अंतर क्या है? अगर हम लोग एक्सचेंज के थ्रू बीएससी, एनएससी के थ्रू अगर हम लोग शेयर्स खरीदते हैं कंपनी के शेयर्स, उसको हम लोग शेयर ट्रेडिंग बोलते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मली स्टॉक मार्केट बोलते हैं. ओके, बट अगर सेम चीज कमोडिटी, सेम तरीका बट कमोडिटी में हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कमोडिटी ट्रेडिंग. ओके, वी आर बाइंग एंड सेलिंग थ्रू एक्सचेंज अगेन, बट नॉट बीएससी एनएससी एक्सचेंज. इनके एक्सचेंज अलग होते हैं, इनके एक्सचेंज एमसीएक्स वगैरह होते हैं. और इन एक्सचेंज के थ्रू अगर हम लोग कमोडिटी में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे कमोडिटी ट्रेडिंग, विच इज ऑफकोर्स ऑनलाइन वी आर रेफरिंग टू. अब मैं फिजिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ. ओके, सो इन दिस केस व्हाट हैपेंस कि आपका ट्रेडिंग एक्सचेंज चेंज हो जाएगा. आपका शेयर मार्केट में जो ट्रेडिंग एक्सचेंज इंडिया में चलता है वो बीएससी एनएससी चलता है, यहाँ पे एक्सचेंज चलेगा एमसीएक्स एंड बहुत से एक्सचेंजेस जो हम आगे देखेंगे. बट मेनली इंडिया में दो एक्सचेंजेस चलते हैं डिपेंडिंग ऑन विच प्रोडक्ट, विच कमोडिटी यू आर ट्रेडिंग इन टू. ओके, सो लेट सी दो एक्सचेंजेस है वो कौन से. मेनली दो एक्सचेंजेस एमसीएक्स एंड एनसीडीईएक्स. ओके, ये दो एक्सचेंजेस ये फेमस एक्सचेंजेस है. उसके बाद बहुत सारे एक्सचेंजेस है जैसे यूसीएक्स वगैरह. तो ये सब होते क्या एग्जैक्टली, ट्रेडिंग कैसे होता है, इन सब चीजों का देखते हैं. थ्री स्टेप्स टू ट्रेड इन कमोडिटी मार्केट. नंबर वन, पहला स्टेप आपका रहेगा चूज अ ब्रोकर एंड ओपन अ ट्रेडिंग अकाउंट. क्या लिखा है ध्यान से सुनिए दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है आपको. आपको डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करना है, क्योंकि कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती है. फॉर द सिंपल रीजन दैट शेयर सर्टिफिकेट्स आर नाउ डीमटेरियलाइज्ड, बट कमोडिटी इज नॉट डीमटेरियलाइज्ड. सो व्हाई डू यू नीड अ डीमैट अकाउंट टू ट्रेड इन कमोडिटी मार्केट? यू जस्ट नीड अ ट्रेडिंग अकाउंट. आपने एक स्टॉक मार्केट का मेरा सेशन सुना होगा तो उसमें हमने बोला था ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग फंड्स ट्रांसफर करते हैं, डीमैट अकाउंट में कभी फंड्स ट्रांसफर नहीं होते हैं, डीमैट में सिर्फ शेयर्स आते हैं. बराबर है? तो व्हाई डू यू नीड डीमैट हियर? बिकॉज आपका कमोडिटी कभी डीमैट हुआ ही नहीं अभी तक. यू नीड अ ट्रेडिंग अकाउंट जहां पर आप फंड्स ट्रांसफर करोगे और वहां से पेमेंट होगा एक्सचेंज को. देन सेकेंड स्टेप इज डिपॉजिट योर मार्जिन मनी. मार्जिन मनी क्या होता है? इनिशियल मार्जिन मनी होता है एंड मार्क टू मार्केट मार्जिन मनी होता है. इनिशियल मार्जिन मनी वो होता है जो आप ट्रेडिंग के स्टार्टिंग में भरते हो,
एंड मार्क टू मार्केट वो होता है जब आप मार्केट चेंज होता है और उसके अनुसार आपको और पैसा भरना पड़ता है. क्या होता है, कैसे होता है, दो मिनट के बाद समझ जाएगा आपको. एंड डिपॉजिटिंग इनिशियल मार्जिन मनी विल गिव यू अ राइट दैट यू कैन नाउ स्टार्ट योर ट्रेडिंग. ओके, नाउ यू कैन ट्रेड, बट अगेन रिमेंबर नो डीमैट इज रिक्वायर्ड फॉर कमोडिटी मार्केट. ओके, व्हाई कमोडिटी मार्केट? लेट्स टेक वन वेरी सिंपल एग्जाम्पल. लेट्स से यू वांट टू बाय गोल्ड फॉर ट्रेडिंग बिकॉज यू बिलीव दैट गोल्ड प्राइसेस विल राइज. आपको गोल्ड खरीदना है बिकॉज आपको लगता है कि गोल्ड प्राइसेस बढ़ेंगे. ओके, तो आप नॉर्मली क्या करते हो, व्हाट डू यू डू? यू प्रोबेबली बाय गोल्ड बार्स, बिस्किट्स वगैरह होते हैं वो बाय करते हो, या कोई छोटे छोटे, सो छोटे मतलब 100 ग्राम वगैरह, इधर छोटा मतलब 100 ग्राम होता है, 10 ग्राम 100 ग्राम, सो 10 ग्राम मतलब एक तोला होता है ना. सो यहाँ पे गोल्ड बार्स मिलते हैं अलग अलग साइजेस के, आप गोल्ड बार खरीदते हो, उनको स्टोर करते हो, फिर आप वेट करते हो राइट प्राइस टू कम, एंड देन यू फिजिकली टेक दैट थिंग एंड गो टू द ज्वेलर एंड देन सेल इट. ओके, टिल दैट टाइम व्हाट यू आर डूइंग, यू आर स्टोरिंग इट. व्हाट इज द प्रॉब्लम नाउ? यू हैव टू बी श्योर दैट द गोल्ड इज प्योर, बराबर ना, क्योंकि इम्प्योर गोल्ड भी मिलता है आपको. ऊपर से गोल्ड रहेगा पूरा प्लेटिंग, अंदर से पूरा इम्प्योरिटी रहेगी. सो यू शुड बी फर्स्ट श्योर दैट ये गोल्ड बार जब आप खरीद रहे हो तो देर इज अ रिस्क दैट इट इज इम्प्योर. And secondly, you need to store that at a very safe place so that obviously उसका कोई चोरी वगैरह ना हो. So बड़े दो टेंशन है हमारे पास, purity के and storage का. And वापस से इसको carry करने का भी एक बड़ा problem है. Solution is very simple. If you really are expecting that the gold price is going to rise, why don't you buy the same thing on commodity exchange? Okay? Commodity exchange. But एक बहुत important बात मैं आपको तुरंत अभी यहां पर ही डिस्क्लोज करना चाहता हूं कि शेयर मार्केट में आपने दो टाइप के मार्केट देखे, एक स्पॉट और एक फ्यूचर एंड ऑप्शन. यहां पे सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ही होता है, स्पॉट मार्केट यहां पे होता नहीं है. जो भी हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं ये फ्यूचर की ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि स्पॉट में तुरंत कोई गोल्ड नहीं आ सकता है हमारे अकाउंट में. अंडरस्टूड? वी आर जस्ट गेटिंग इन टू अ ट्रेड सो दैट वी विल गेट गोल्ड इन फ्यूचर. Understood? So there is no spot market in commodity. It is only futures and options market. Okay. Now, इससे करने से क्या होगा सर? Gold future हम लोग commodity exchange पे खरीदने से क्या होगा? Number one, आपको कहीं पे physically जाना जरूरत नहीं है. Number two, आपको कोई bar purity का कोई question ही नहीं आता क्योंकि आपने physically कुछ खरीदा ही नहीं है. And number three, storage का तो कोई tension ही नहीं है. तो by default ये सब risk हट गए. एंड आपके पास सीधा सीधा आप जो प्राइस का फायदा उठाना चाहते हो वो आप ले सकते हो. यहाँ पर आपने मेरा डेरिवेटिव का सेशन सुना रहेगा. डेरिवेटिव मार्केट में हमने बोला था डेरिवेटिव इज सच अ थिंग विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट. तो यहां पर भी वही है. अंडरलाइंग एसेट क्या है? जो फिजिकल मार्केट में आपको कमोडिटी दिखते वो फिजिकली गोल्ड का रेट क्या चल रहा है, दैट इज अंडरलाइंग एसेट. एंड वहां से डिराइव हो रहा है आपका वैल्यू गोल्ड का फ्यूचर में. कम आपके एक्सचेंज में जो वैल्यू डिराइव हो रहा है वो कहां से हो रहा है? फिजिकल मार्केट में से जो वैल्यू चल रहा है उससे डिराइव हो रहा है. अंडरस्टूड? व्हाई कमोडिटी मार्केट? सपोज लेट्स टेक वेरी सिंपल एग्जांपल. देयर इज वन पर्सन कॉल्ड रमेश एंड ही इंटेंड्स टू बाय गोल्ड इन फिजिकल मार्केट. इंटेंड्स टू बाय गोल्ड इन फिजिकल मार्केट. ऑफकोर्स ही विल बाय इट फ्रॉम ज्वेलर. And there is one friend, his friend, which is who is Suresh, and he is very smart. He wants to buy the same thing on commodity market. Matlab, kaun se market mein jayega wo? Futures and options market mein jayega. Okay. Now both of them, they are expecting the gold price to rise. So obviously both of them will buy or sell. Buy. Buying ko kya ek term use kiya tha humne? Long. बराबर ना, लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं ये लोग. एंड सेलिंग के लिए हमने एक वर्ड यूज किया था शॉर्ट. शॉर्ट पोजीशन नहीं ले रहे ये लोग, बाय कर रहे मतलब लॉन्ग पोजीशन लिया जा रहा है. ठीक है, मगर ये जो रमेश है ये फिजिकल मार्केट में खरीद रहा है और सुरेश जो है वो कमोडिटी मार्केट में खरीद रहा है और दोनों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस राइज होगा गोल्ड का. रमेश पेज 30,000 रुपीज फॉर 10 ग्राम्स टू ज्वेलर. एक तोले के लिए कितना पे कर रहा है वो? 30,000. एंड फिजिकली वो गोल्ड कैरी करके घर पे लाता है. सुरेश क्या कर रहा है? सिर्फ 3,000 रुपीज पे कर रहा है एज मार्जिन मनी, जिसको हम डाउन पेमेंट बोल सकते हैं. आप घर बुक करते हैं, आप डाउन पेमेंट करते हो? सबका ध्यान है? तो हम जब घर बुक करते हैं तो डाउन पेमेंट करते हैं, इनिशियल मार्जिन पे करते हैं. ओके, तो यहां पर भी एक मार्जिन पे किया जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल मार्जिन. 30,000 का गोल्ड था जिसको बुक करने के लिए आपको केवल 5 या 10% ही पे करना पड़ता है. मैंने फिर भी 10% लिया यहां पर. ओके, ही इज पेइंग, सुरेश इज पेइंग ओनली 3,000 एज मार्जिन मनी. ओके,
Now both of them, they wait for few time, let's say 2 months. Okay, after 2 months the gold price increased to 32,000, and thus profit to both the parties is how much? 2,000. दोनों पार्टी को प्रॉफिट कितना हो गया? 2,000. कैसे प्रॉफिट हुआ 2,000? रमेश ने 30,000 का गोल्ड फिजिकल मार्केट में खरीदा था, एक तोला, जिसका दाम आपको हो चुका है 32,000. एंड सुरेश ने वही सेम गोल्ड, सेम क्वांटिटी कहाँ बुक किया है? कमोडिटी मार्केट में. और उसको बुकिंग अमाउंट पे करना पड़ा केवल 3,000. और उसको कितना क्वांटिटी बुक हो चुका है? 10 ग्राम्स. एंड जिसका रेट बढ़ चुका है 30 से 32,000. तो अब दोनों का प्रॉफिट हो चुका है 2,000 2,000. नाउ फ्रेंड्स, व्हाट डू यू थिंक, बोथ द पार्टीज अर्न द सेम रेट ऑफ रिटर्न? यस और नो? रमेश और सुरेश ने 2,000 2,000 का प्रॉफिट कमाया ना, तो रेट ऑफ रिटर्न दोनों का सेम हो गया ना? बिल्कुल भी नहीं हुआ. कैसे नहीं हुआ? रमेश का आरओआई जो आएगा वो रहेगा 2,000 डिवाइडेड बाय 30,000, क्योंकि उसने 2,000 कमाए कितने इन्वेस्ट करके? 30,000. तो उसका आरओआई आ रहा है 6.67% का. वेर एज सुरेश ने जो इन्वेस्ट किया था वो तो केवल 3,000 था, और उसने कमाया कितना है? 2,000. तो उसका आरओआई कितना आ रहा है? 66.67%. उसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि उसका पूरा फंड ब्लॉक नहीं हुआ, और वो बड़े क्वांटिटी में भी खेल सकता था. सेम पैसों से वो ज्यादा क्वांटिटी भी बुक कर सकता था. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो जो भी इनिशियल मार्जिन आप बुक करते हो, उससे आप पूरे अमाउंट का बुकिंग नहीं, मतलब पूरा क्वांटिटी बुक कर रहे हो बट पूरा अमाउंट नहीं दे रहे हो. सबसे बड़ा फायदा. अंडरस्टूड क्या? एंड ही इज बुकिंग 10 ग्राम्स, ही इज अर्निंग 2,000 का प्रॉफिट, बट बाय इन्वेस्टिंग नॉट 30,000, ओनली 3,000. एंड देयरफॉर रेट ऑफ रिटर्न के एंगल से देखा तो ऑब्वियसली ही इज अर्निंग 66.67%, वेयर एज फिजिकल मार्केट में इसने सिर्फ 6.67% कमाया. बट ये पर एनम नहीं है, ये सिर्फ पीरियड ऑफ होल्डिंग का रिटर्न है. पर एनम नहीं है वो, क्योंकि ये रिटर्न जो कमाए गए ये सिर्फ 2 महीने में कमाए गए मेरे एग्जाम्पल के अनुसार. अंडरस्टूड? व्हाई कमोडिटी मार्केट? देर आर वेरियस रीजंस. नंबर वन, यू गेट अ डाइवर्सिफिकेशन. व्हाट डाइवर्सिफिकेशन? इंडिया है तो हम लोग जनरली कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं या तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं. कभी सोचा ही नहीं था कि फार्म प्रोड्यूस में भी हम इन्वेस्ट कर पाएंगे. अरे उसके लिए तो फार्मर बनना पड़ता है ना, बट यहाँ पे फार्मर बनने की भी जरूरत नहीं है. आप विदाउट फार्मर बने भी फार्म प्रोड्यूस में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप मेटल्स में इन्वेस्ट कर सकते हो. आपको एक डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा आपके इन्वेस्टमेंट के तौर पे. नंबर सेकंड, डिमांड एंड सप्लाई जो है इसका पूरा इंटरनेशनल मार्केट होता है. इसमें जो आज शेयर ट्रेडिंग होता है जो इंडिया में होता है वो इंडियन मार्केट में होता है. इंडियन मार्केट पूरा इंडिया के टेरिटरी तक लिमिटेड है. बीएससी एनएससी जो चलता है वो इंडिया के टाइमिंग के हिसाब से 9:30 से 3:30 के बीच चलेगा. ये मार्केट का टाइमिंग ग्लोबल मार्केट है, पूरा वर्ल्ड इसमें ट्रेड कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसका ट्रेडिंग आवर्स भी बहुत लंबे हैं. एंड नंबर सेकंड, आपका डिमांड सप्लाई सिर्फ इन्फ्लुएंस बाय इंडियन फैक्टर्स नहीं है, ग्लोबल फैक्टर्स है. नंबर थ्री, इट एक्ट्स एज अ कुशन. व्हाई इट एक्ट्स एज अ कुशन? थोड़ा कंफर्ट लेवल क्यों मिलता है आपको? क्योंकि आपको सिर्फ मार्जिन मनी भरना है, इनिशियल मार्जिन भरना है आपको, पूरा अमाउंट भरना नहीं है, तो आपका वेल्थ ब्लॉक नहीं हो रहा है. दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन कमोडिटी मार्केट. देन you get multiple things like less amount blocked here, you get less manipulation and intrinsic value, मतलब real value मिलती है आपको. demand supply से value मिली हुई value कभी भी intrinsic value रहेगी, तो आपको intrinsic value मिलेगी. manipulations क्यों नहीं होंगे? क्योंकि impurity का सवाल ही नहीं आता. हम physically कुछ खरीद ही नहीं रहे तो क्या manipulate होगा. and lastly high leverage, मतलब more advantage you get. you have seen Ramesh and Suresh के example में, Suresh got 10 times का advantage. His Ramesh return was 6.6%, but Suresh return was 66.67%. So obviously more leverage. Leverage का मतलब क्या होता है? Advantage. So आपको advantage ज़्यादा मिल रहा है ना यहाँ पर. Commodity market exchanges India में कौन से हैं? तो इंडिया के commodity exchanges कैसे trade किए जाते हैं? और इंडिया, why we are seeing कि ये commodity market इंडिया के लिए बहुत अच्छा है? 47% of the India's GDP is coming from commodity related businesses. मेटल्स या फूड क्रॉप वगैरह या लाइफ स्टॉक वगैरह, इन सब से आज इंडिया का जीडीपी कंट्रीब्यूशन कितना है? 47% है. 15% स्ट्रेट अवे जीडीपी कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेक्टर, अप्रॉक्सीमेटली, ये सब राउंड फिगर है. एंड अराउंड 50% ऑफ पॉपुलेशन, आवर पॉपुलेशन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. तो फार्म प्रोड्यूस के लिए इंडिया में इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. इसका मतलब नियरली 7,500 फिजिकल मार्केट यार्ड्स आर देयर इन इंडिया जो फूड ग्रेन में ट्रेड करते हैं.
तो ये इतना बड़ा मार्केट अगर साइज है तो ऑब्वियसली इंडिया की हद तक ये चीज़ बहुत फेवरेबल है कि हमने कमोडिटी में ट्रेड करना चाहिए. इंडिया इज अमंग्स द टॉप 5 प्रोड्यूसर ऑफ मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज इन द वर्ल्ड. इन एडिशन बींग अ मेजर कंज्यूमर ऑफ बुलियंस, बुलियंस मतलब क्या बोला हमने, गोल्ड एंड सिल्वर इंडिया में ज़्यादा खरीदा जाता है, एंड एनर्जी प्रोड्यूसर भी हैं हम लोग और कंज्यूमर भी हम लोग. वर्ल्ड के टॉप एनर्जी प्रोड्यूसर्स में भी हम लोग हैं एंड एनर्जी कंज्यूमर्स में भी हम लोग ही हैं. एंड जब हम कमोडिटी बोलते हैं तो उसमें एनर्जी भी आता है, कमोडिटी में एनर्जी भी आता है. ओके, देन एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 15% टू GDP ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर एम्प्लॉयड नियरली 50% ऑफ आर लेबर फोर्स इन 163 हेक्टर्स ऑफ लैंड. तो इंडिया का जो टेरिटरी है उसमें 163 हेक्टर्स ऑफ लैंड जो है वो प्योरली एंगेज इन एग्रीकल्चर है, एंड वहाँ से इंडिया का 50% पॉपुलेशन एंगेज है और जनरेशन ऑफ इनकम कितना हो रहा है, 15%. इफ दीज ऑल आर द इंडिकेटर्स देन ऑब्वियसली मेजर ट्रेडिंग हब बन सकता है इंडिया कमोडिटी की हद तक, क्योंकि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कमोडिटी की हद तक हम लोग ड्राइविंग फैक्टर है वर्ल्ड के लिए. इतने सब चीज़ें अगर हमारे पास है देन वी कैन बिकम अ ड्राइविंग फैक्टर फॉर वर्ल्ड. बिकॉज मैंने क्या बोला, ये एक्सचेंजेस है, ये पूरे वर्ल्ड ट्रेड कर रहे हैं, हम नहीं ट्रेड कर रहे, इन एक्सचेंजेस पे पूरा वर्ल्ड ट्रेडिंग कर रहा है. टाइप्स ऑफ कमोडिटी, देर आर टू टाइप्स ऑफ कमोडिटी ब्रॉडली स्पीकिंग. वन इज कॉल्ड एज हार्ड कमोडिटी. अब हार्ड कमोडिटी वो होता है जो नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स होते हैं, जैसे कि प्रेशियस मेटल्स जिसको हम लोग बुलियन बोल रहे हैं, गोल्ड सिल्वर, देन बेसिक मेटल्स लाइक कॉपर जिंक वगैरह. तो ये सब चीज़ों का हम क्या बोलेंगे, हार्ड कमोडिटी. ओके, ये सब हार्ड कमोडिटी है और मेनली ये जो ट्रेडिंग होता है ये होता है MCX पर. ओके, MCX का लॉन्ग फॉर्म क्या है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द फेमस एक्सचेंज ऑफ इंडिया जहाँ पे हार्ड कमोडिटी का ट्रेडिंग हो रहा है, मतलब अदर देन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. तो उसमें एनर्जी भी आ गया फिर, अदर देन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मतलब एनर्जी का भी ट्रेडिंग उधर ही होता है. एंड हार्ड कमोडिटी में ये सब चीज़ें आती है, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, जिंक वगैरह. देन यू हैव सॉफ्ट कमोडिटी. ऑफकोर्स नाम से समझ गया होगा आपको, अभी हार्ड अगर वो है तो सॉफ्ट क्या रहेगा, एग्रीकल्चरल एग्री गुड्स बोलते हैं जिसको हम लोग, एग्री प्रोडक्ट्स सच एज कॉटन, कॉर्न, वीट, शुगर, जो भी हम लोग एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस करते हैं वो सब चीज़ें आती है. और ये सब NCDX से हम लोग ट्रेडिंग ज़्यादातर करते हैं. मेजर ट्रेडिंग ऑन NCDX इज फॉर विच कमोडिटी, एग्री प्रोडक्ट्स, दैट इज सॉफ्ट कमोडिटीज. ओके, सॉफ्ट कमोडिटी में ये सब चीज़ें आती है, वीट, कॉर्न, कॉफ़ी, कॉटन, ये सब चीज़ें. नाउ फ्रेंड्स, कमोडिटी जो ट्रेड होता है उसमें एनर्जी भी आता है, मैंने आपको बोला. एनर्जी के अंदर क्रूड ऑयल, हीटिंग ऑयल, नेचुरल गैस, गैसोलीन, ये सब चीज़ें एनर्जी के तौर पे ट्रेड होती है. अब इसमें ये ट्रेडिंग मेजरली कहाँ पर होगा, NCDX या MCX पे होगा, MCX पे होगा, क्योंकि वो हार्ड कमोडिटी में आ जाता है फिर, अदर देन एग्रीकल्चरल गुड्स. एक्सचेंजेस जो हमने नाम सुने थे उनके बारे में देख लेते हैं. यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज UCX एक फेमस एक्सचेंज है, बट इंडिया में नहीं है वो, ग्लोबल लेवल पे है. इस डेरिवेटिव एक्सचेंज ये भी ग्लोबल लेवल पर है. देन वी हैव मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज. यस, ये एक्सचेंज इंडिया में बहुत फेमस है. मेजर ट्रेडिंग इस पर होती है, कौन से गुड्स का, नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स, वेरी गुड. एंड NCDX ये होता है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, NCDX, एंड इस पर ट्रेडिंग होती है मेजरली सॉफ्ट कमोडिटीज, दैट इज एग्री गुड्स का. ये भी एक ग्लोबल मार्केट में ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म है जिसको NMCE बोलते हैं, दैट इज नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज. तो हमारे पास MCX चलता है और ये NMCE है. ये मतलब एक वर्ड ऐड कर दिया उन्होंने नेशनल और उसका एब्रिवेशन भी चेंज कर दिया उन्होंने. ओके, MCX वो लास्ट के तीन चीज़ें हो सकती थी MCX, बट उन्होंने नेशनल वर्ड ऐड कर दिया. बट ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, इंडिया में ये ज़्यादा फेमस नहीं है. अब इसका रेगुलेशन कौन करता है, ये कमोडिटी एक्सचेंज का रेगुलेशन होता था फॉरवर्ड मार्केट कमीशंस के थ्रू. जैसे स्टॉक मार्केट कौन रेगुलेट करता है, सेबी रेगुलेट करता है, वैसे कमोडिटी मार्केट इज बीइंग रेगुलेटेड बाय द बॉडी सेटअप इन द ईयर 1953 एंड द बॉडी नेम इज फॉरवर्ड मार्केट कमीशन. बट फिर सूनर रियलाइज हुआ कि कमोडिटी मार्केट इंडिया में ज़्यादा फेमस नहीं हो रहा है, बिकॉज ये सेटअप हुआ था 1953 में, बट कमोडिटी मार्केट तो हम लोग लास्ट 15-20 ईयर से सुन रहे हैं. ओके, तो बीच में कमोडिटी मार्केट जो है इंडिया में बैन हो चुका था,
सर्वेलेंस की वजह से, प्रॉपर सर्वेलेंस नहीं हो पा रहा था, प्राइजेस जो वहाँ पे ट्रेड हो रहे थे उसकी वजह से फिजिकल मार्केट के प्राइजेस चेंज हो रहे थे, ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से देर वॉज अ बैन ऑन कमोडिटी मार्केट. बट येस, दैट बैन वॉज रिमूव्ड आफ्टरवर्ड्स, एंड देन इवेंचुअली वॉट हैपेंड, दिस रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉरवर्ड मार्केट कमीशन गॉट मर्ज्ड विथ सेबी फ्रॉम सेप्टेम्बर 2015. एंड सेप्टेम्बर 2015 से सेबी इज नथिंग बट अनदर रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर, सॉरी, कमोडिटी मार्केट के साथ साथ शेयर मार्केट को भी रेगुलेट कौन करता है? सेबी रेगुलेट करता है. अंडरस्टूड? तो अभी फॉरवर्ड मार्केट कमीशन नाम की कोई एंटिटी नहीं है क्योंकि उसका मर्ज हो चुका है किसके साथ? सेबी के साथ. टाइप्स ऑफ मार्केट फॉर कमोडिटी ट्रेड, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. कहीं पर भी स्पॉट मार्केट लिखा है क्या? इसका मतलब स्पॉट मार्केट नहीं अवेलेबल है आपके पास. फॉरवर्ड मार्केट, फ्यूचर मार्केट, ऑप्शन मार्केट, इन सब पे हमने लास्ट टाइम फ्राइडे सेशंस लिए थे. फॉरवर्ड मार्केट में देर इज नो गारंटी ऑफ परफॉर्मेंस, इट इज वन टू वन बिटवीन टू पार्टीज. तो अगर मैं और आप एक कमोडिटी के लिए फ्यूचर का प्राइस एग्री करके दो से दो महीने बाद वगैरह डेट फिक्स करके क्वांटिटी फिक्स करके अभी से ट्रेड फिक्स कर रहे हैं, बट उसका सिर्फ कब एग्जीक्यूशन होगा? दो महीने बाद. इसको बोलेंगे हम फॉरवर्ड मार्केट. बट इसमें गारंटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है कि आप परफॉर्म करोगे या मैं परफॉर्म करूंगा. फॉरवर्ड मार्केट, फ्यूचर मार्केट, इफ देर इज ऑब्लिगेशन टू बाय, ऑब्लिगेशन टू सेल, एंड देर इज गारंटी ऑफ परफॉर्मेंस बिकॉज दे आर ट्रेडेड थ्रू एक्सचेंज, दे आर ट्रेडेड थ्रू एक्सचेंज. एंड ऑप्शन मार्केट ऑल टूगेदर अलग है. यहां पर कोई ऑब्लिगेशन टू बाय नहीं होता है, कोई ऑब्लिगेशन टू सेल नहीं होता है. देर इज राइट टू बाय, राइट टू सेल, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन. यू रिमेंबर? मार्केट के टाइमिंग्स, मार्जिन मनी. कमोडिटी मार्केट का टाइमिंग आप जान के हैरान हो जाओगे, सुबह 10 से लेकर रात को 11:30 बजे तक ये मार्केट ओपन होता है क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट है. तो ऑब्वियसली जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग बिजी होते हैं 3:30 तक. तो 3:30 के बाद वो अपना बचा टाइम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कमोडिटी मार्केट में भी वो गेन कर सकते हैं. मेजर कमोडिटी मार्जिन इज बिटवीन 5 to 10%. अगर सिर्फ 5, मैक्सिमम कमोडिटीज के लिए तो 5% ही मार्जिन लगता है, बट फ्यू कमोडिटीज आर देयर जहां पे 10% मार्जिन मनी लगता है. तो इसका मतलब क्या हो रहा है? बाय जस्ट ब्लॉकिंग योर 5 to 10% अमाउंट, यू आर एबल टू टेक द एडवांटेज ऑफ ह्यूज क्वांटिटी. बराबर ना? आपके पास अगर पैसा कम ब्लॉक्ड रहेगा, कम पैसा देने की जरूरत रहेगी, तो आप 1 तोला क्यों बुक करोगे ना, आप 10 तोला बुक करोगे. आपके पास 30,000 है, फिजिकल मार्केट में जाते तो आपको कितना देना पड़ता? 30,000 गोल्ड के लिए. बट अगर आप सेम चीज यहां पे ट्रेड कर रहे हो तो आपको 5 या 10% ही देना है, तो आप 1 तोला क्यों बुक करोगे? ज्यादा बुक करोगे ना. वाई ओनली 10 ग्राम्स? देन गो फॉर 50 ग्राम्स, 100 ग्राम्स. बट यस, एक और बात यहां पर इंपॉर्टेंट है, लॉट साइज डिटरमाइन होती है. लॉट साइज याद है, हमने डेरिवेटिव में देखा था. लॉट साइज स्टैंडर्डाइज साइज होती है. यू कैन नॉट ट्रेड इन 1-2 ग्राम वगैरह. कैन यू गो टू ज्वेलर एंड बाय 1-2 ग्राम, 5 ग्राम ऑफ गोल्ड? यस, बट दैट थिंग इज नॉट पॉसिबल हियर. यू हैव लॉट साइज 50 ग्राम्स, 100 ग्राम्स एंड सो ऑन. जो लॉट साइज रहेगा उस लॉट साइज के मल्टीपल में ही आपको खरीदना पड़ेगा. सपोज लॉट साइज इज 100 ग्राम्स, देन ऑब्वियसली इन मल्टीपल ऑफ 100 ग्राम. इधर यू बाय 1 लॉट और यू बाय 2 लॉट और यू बाय 5 लॉट. इफ यू आर बाइंग 5 लॉट, हाउ मच क्वान्टिटी? 500 ग्राम्स, इफ द लॉट साइज इज 100 ग्राम्स. समझा क्या? तो कंपेयर टू इक्विटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, जहां पे मार्केट मार्जिन मनी होता है 20-25%, यहाँ का मार्जिन मनी सिर्फ 5 या 10% है. सो यहाँ पे एक बहुत बड़ा आपको फायदा मिल रहा है कि आप कम अमाउंट ब्लॉक करके इसका फायदा ले सकते हो. कैन यू जस्ट सेल समथिंग विच यू डोंट हैव? कैन यू सेल समथिंग विच यू डोंट हैव हियर? येस, दैट इज कॉल्ड एज पुट ऑप्शन, राइट टू सेल. बराबर है क्या? अगर हम लोग कोई चीज़ जो है ही नहीं वो बेचने का राइट डाल, मतलब राइट खरीद रहे, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम लोगों को लगता है कि प्राइस फॉल होगा तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर गोइंग गेटिंग इन टू वॉट वॉट पोजिशन? शॉर्ट पोजिशन. शॉर्ट पोजिशन लेने से क्या होगा? सपोज मुझे लग रहा है गोल्ड का प्राइस फॉल होगा, तो अभी का प्राइस चल रहा है 30,000, मैंने शॉर्ट पोजिशन बुक कर ली, मतलब मैंने क्या किया है? आई हैव राइट टू सेल एट 30,000. ओके, नाउ द गोल्ड प्राइस फॉल्स टू 28,000, माई गेन इज हाउ मच? 2,000. बिकॉज 1-2 महीने बाद जो चीज 28,000 की हो जाएगी, मैंने उसको 2 महीने पहले ही बुक कर दिया था. कितने में बेचने के लिए? 30,000 में बेचने के लिए. एंड अंडरस्टैंड, देयर इज नथिंग इन फिजिकल. सो आप बोलोगे सर आप ऐसी चीज कैसे बेच सकते हो जो आपके पास है ही नहीं? तो जो मैं खरीद रहा हूं वो भी तो मेरे पास नहीं है ना. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? जो मैं खरीद रहा हूं वो भी तो मेरे पास नहीं है, तो जो मैं बेच रहा हूं वो भी मेरे पास नहीं है. दिस इज ऑल फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. दे आर डिराइविंग देयर वैल्यू फ्रॉम फिजिकल मार्केट.
So, for example, weather situations are bad. What will happen in physical market? The crop prices will go up because there will be scarcity of production. Are you understanding? Weather situation bad. If, for example, Mahabaleshwar mein strawberry ka production hamper hone wala hai, kyunki thand jitni girni chahiye utni nahi thi, hot weather tha. What will happen? Strawberry production will be down. Automatically, there will be scarcity for strawberries, and obviously, strawberries prices are going to be rising. Barabar na? So now, these things are the prediction ki kya price hoga, and ye situations dekhkar hum commodity mein trade kar sakte hai. 2 months baad, obviously, us cheez ka price badhega, to aapne kya karna chahiye? Usko aaj buy karna chahiye, kharidna chahiye. Agar weather situation bahut favorable hai, wheat ka production bahut zyada hoga. इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च हुआ था, वीट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया था, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे अगर कमोडिटी एक्सचेंज वगैरह सब चलते थे तो इट विल बी अ क्लियर इंडिकेशन कि इतना ज्यादा प्रोडक्शन अगर वीट का होगा तो वीट विल बी अबंडेंट अवेलेबल एंड वीट प्राइसेस आर गोइंग टू फॉल. तो आपने इस एक्सचेंज में क्या करना चाहिए था? शॉर्ट करना चाहिए था. सेल मत बोलो, क्या करना? शॉर्ट करना चाहिए. जो बेच नहीं है बट टर्मिनोलॉजी इज शॉर्ट, तो यू शुड शॉर्ट, टेक शॉर्ट पोजिशन. एंड ऑब्वियसली जब वीट का प्राइस सच में फॉल होगा तो आपके पास, आपने हायर प्राइस पे बेचा है इसलिए आपका फायदा होगा. बेनिफिट्स ऑफ कमोडिटी ट्रेडिंग इजी टू अंडरस्टैंड है, इट्स लिंक्ड टू ग्लोबल मार्केट. ये सब ग्लोबल लेवल पे चल रहा है, इंडिया लेवल पे नहीं है. देयर इज नो रिस्क ऑफ लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, क्योंकि फिजिकली हम कुछ कैरी कर ही नहीं रहे. एंड नो फिजिकल स्टोरेज इज रिक्वायर्ड, तो आपको कहीं पे बैंक में लॉकर वगैरह खरीदने की जरूरत भी नहीं है. आप गोल्ड के कितने भी बार्स खरीद लो, फिजिकली आ नहीं रहे, सब आ रहे ऑनलाइन मार्केट में. This all thing was done possible because of this team of students who gave me the information. I think they need a round of applause, friends. They deserve it. So I would say lastly, more money you grow, that is only possible with more knowledge and wisdom. Thank you, friends. For more such video, you can follow my YouTube channel. Thank you so much.